एक तरफ सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है। मोदी सरकार पिछले 5 सालों में खाली पड़े पदों को भरने के बजाय खाली पदों को ही खत्म करते आ रही है। एक तरह से मोदी सरकार नौकरियों को खत्म करने का अभियान चला रही है। अब देश की 70 प्रमुख प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के 2,911 पद खाली होने की बात सामने आई है। अब यह देखना है कि क्या सरकार इन खाली पदों को भरने का प्रयास करती है या हर बार की तरह इसे भी खत्म कर देती है। गौरतलब है कि संसद के हाल में संपन्न सत्र के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद रामचरण बेहरा ने देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में रिक्त पड़े वैज्ञानिकों के पद का संस्थान वायरा बेरो मांगा था। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में देश में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने की पहल के बारे में भी जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि देश की 70 प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के 2,911 पद खाली पड़े हैं। बताते चले कि CSIR की पुणे स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के 123 पद रिक्त हैं, जबकि गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में 100 पद, बेंगलुरु स्थित केंद्रीय चतुर्थ प्रतिमान संस्थान में 177 पद, हैदराबाद स्थित भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान में 102 पद, कोलकाता स्थित भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान में 77 पद, नई दिल्ली स्थित जीमोन एवं समेकित जीव विज्ञान संस्थान में 84 पद और जम्मू स्थित भारतीय समेकित चिकित्सा संस्थान में 95 पद खाली हैं। इसके अलावा CSIR मुख्यालय में वैज्ञानिकों के 92 पद खाली पड़े हैं। यही नहीं, मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार CSIR के मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के 111 पद रिक्त हैं, जबकि पिलानी स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान में 92 पद, लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में 65 पद, चेन्नई स्थित केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान में 50 पद, नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान में 28 पद, कोलकाता स्थित बोस संस्थान में 35 पद, लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पूर्णा वनस्पति विज्ञान संस्थान में 25 पद, बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिक संस्थान में 14 पद तथा मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि खाद्य जीव प्रौद्योगिकी संस्थान में वैज्ञानिकों के 92 पद खाली हैं। अगर रुड़की की बात करें तो CSIR के रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के 50 पद तथा भोपाल स्थित उन्नत सामग्री एवं प्रसंस्करण अनुसंधान में 60 पद खाली हैं। इसके बाद भी देश में बेरोजगारों का आलम यह है कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन तमाम खबरों से पता लगाया जा सकता है भारत में जितनी खोज और देश की उन्नति होनी थी वो रुक गया। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।